आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ एक्स पावर 4 dx और दूसरा इंटीग्रल है एन इंटीग्रेशन एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 कॉस ऑफ एक्स पावर एन dx। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो इंटीग्रल गिवन है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इंटीग्रल देखते हैं, वो है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ एक्स पावर 4 dx। ये हमें इवेल्युएट करना है। तो इसमें अगर हम एक्स पावर 4 को टी कंसिडर कर लेते हैं, जो कि कॉस में यहाँ पे एंगल है, तो एक्स पावर 4 को अगर हम टी कंसिडर करें तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, एक्स पावर 4 का डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा 4x³ dx और t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dt। तो यहाँ से हमारे पास 4x³ dx dt के इक्वल आ गया। तो अगर x³ dx की वैल्यू देखें हम तो बन गया dt/4। ठीक है, तो यहाँ पे x³ dx तो है ही, x³ dx वो बन गया dt/4 और एक्स पावर 4 को हम t पुट कर देंगे, तो ये इंटीग्रल बन गया हमारे पास cos t इंटू dt/4, इस तरीके से आ गया। तो ये जो 4 है डिवाइड में, इसे हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये बन गया 1/4 टाइम्स इंटीग्रेशन cos t dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन cos t dt ये क्या आएगा, ये आएगा sin t के इक्वल, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन sin के इक्वल आता है, तो ये बन गया sin t डिवाइड बाय 4 प्लस कांस्टेंट c, क्योंकि ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए हमने एक c कांस्टेंट ऐड कर दिया। अब t हमने किसको माना था, t हमने माना था x पावर 4 को, तो वापस पुट कर देते हैं, तो ये बन गया sin ऑफ x पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल आ गया, तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। वैसे ही सेकंड इंटीग्रल देखते हैं अब हम, तो सेकंड इंटीग्रल क्या है, वो है इंटीग्रेशन n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 कॉस ऑफ एक्स पावर n dx। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम चीज करते हैं, हम x पावर n को t कंसिडर कर लेते हैं, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, ये x पावर n का डिफरेंशिएशन तो बन जाएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 dx और t का डिफरेंशिएशन बन गया dt। ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 dx और यहाँ पे भी n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 dx है और ये dt के इक्वल है, तो ये तीनों जो है इन तीनों को हम dt के इक्वल लिख देंगे और x पावर n t के इक्वल है, तो ये इंटीग्रल बन गया cos t dt। ठीक है, अब हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि इंटीग्रेशन cos t dt क्या आ रहा था, वो आ रहा था हमारे पास में sin t के इक्वल, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन sin आता है, तो इसका इंटीग्रल sin t बन गया और प्लस में हम कांस्टेंट c ऐड करेंगे क्योंकि ये भी इंडेफिनेट इंटीग्रल है, तो ये आ गया हमारे पास। अब t किसको माना था हमने, t माना था x पावर n को, तो ये बन गया sin ऑफ x पावर n प्लस कांस्टेंट c, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।